जय जिनेंद्र। मित्रों सब्सक्राइब कीजिए आपके ही अपने इस YouTube चैनल को, साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और देखिए न्यू वीडियोस सबसे पहले। जय जिनेंद्र। मित्रों आज आप इस वीडियो में श्री गणेश जी का जैन धर्म से अद्भुत एवं आश्चर्यजनक संबंध देखेंगे, जो संभवतः आपने पहले कभी नहीं देखा और सुना होगा। मित्रों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें श्री गणेश जी के बारे में जैन शास्त्रों द्वारा गणपति जी की अद्भुत सच्चाई वाले फैक्ट्स बताए गए हैं। हिंदू धर्म के साथ साथ विश्व के कई धर्मों में गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय देव के रूप में पूजा जाता है, किंतु कुछ लोगों में यह भ्रांतियां प्रचलित है कि क्या जैन धर्म में श्री गणेश जी को माना जाता है अथवा नहीं, क्या जैन धर्म में गणेश जी पूजनीय है अथवा नहीं। मित्रों आज हम इन सभी भ्रांतियों पर प्रकाश डालेंगे, साथ ही वीडियो में यह जानेंगे कि जैन धर्मानुसार गणपति जी माननीय है अथवा नहीं, पूजनीय है अथवा नहीं। तो चलिए मित्रों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। फैक्ट नंबर वन, भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी को सिद्धि विनायक गणेश का जन्म हुआ था। जैन संस्कृति के अनुसार यदि गणेश जी को देखा जाए तो सृष्टि के पालन करता आदि ब्रह्मा, देवादिदेव 1008, भगवान श्री ऋषभ देव जी जिन्हें भगवान आदिनाथ जी भी कहा गया है, साथ ही अष्टापद कैलाश से मोक्ष प्राप्त करने के कारण उन्हें कैलाशपति भी कहा गया है एवं प्रथम तीर्थंकर होने के कारण उन्हें महादेव भी कहा गया है। मित्रों देवादिदेव भगवान श्री आदिनाथ जी और शिव शंकर महादेव जी में बहुत सारी समानताएं हैं, जो उन्हें जैन तथा हिंदू दोनों ही धर्मों का प्रथम पुरुष सिद्ध करती है। कुछ हिंदू एवं जैन विद्वानों का तो यहाँ तक मानना है कि भगवान ऋषभ देव जी एवं शिव जी दोनों एक ही थे। श्री गणेश जी भी भगवान आदिनाथ जी के पौत्र हैं। फैक्ट नंबर टू, मित्रों भगवान आदिनाथ जी के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत जी के पुत्रों में श्रेष्ठ पुत्र जिनका नाम वृषभ सेन था, वह वृषभ सेन तप पूर्वक तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी की धर्म सभा में प्रधान श्रोता अर्थात गणधर के अधिपति और प्रमुख बने थे, इसी कारण से उन्हें गणपति और गणेश की संज्ञा प्राप्त हुई थी। फैक्ट नंबर थ्री, मित्रों अब तुलनात्मक दृष्टि से विचार करें तो हिंदू ग्रंथों में गणेश को शिव पुत्र कहा गया है, परंतु यह भी माना गया है कि गणेश जी का जन्म माता पार्वती के शरीर के मेल से हुआ था। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि शिव जी से गणेश जी का कोई सीधा प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, किंतु जैन धर्म के महादेव अर्थात भगवान ऋषभ देव जी से गणेश जी अर्थात गणधर वृषभ सेन जी का प्रत्यक्ष संबंध सिद्ध होता है, क्योंकि जैन धर्म के गणेश अर्थात वृषभ सेन गणधर भगवान आदिनाथ जी के पुत्र भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे। फैक्ट नंबर फोर, महाभारत में गणेश जी को क्षत्रिय माना गया है और कहा गया है कि गणेशाद्या क्षत्रिय योग विघ्न विनाशिन, तथा ब्रह्मांड पुराण में आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी को समस्त क्षत्रियो का पूर्वज बताया गया है और कहा गया है कि ऋषभम पार्थिव श्रेष्ठम सर्व क्षत्रस्य पूर्वजम, इन्हीं क्षत्रियो के पूर्वज भगवान ऋषभ देव जी की परंपरा में शेष 23 तीर्थंकर और हुए हैं, तथा इन्हीं की परंपरा में संपूर्ण भारतीय अध्यात्म शास्त्रीय एवं योग शास्त्रीय ज्ञान की उपलब्धि मानी गई है। शांकर भाष्य एवं भगवत गीता में भी इसी तथ्य को स्वीकार किया गया है। फैक्ट नंबर फाइव, उपर्युक्त अनेकों वर्णनों से श्री गणेश जी का प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी से सीधा संबंध सिद्ध होता है, साथ ही अनेकों हिंदू तथा जैन शास्त्रों में भी श्री गणेश जी को लेकर मान्यताएं प्रचलित है। फैक्ट नंबर सिक्स, महाभारत में भी श्री गणेश जी को दिगंबर बताया गया है और कहा गया है कि गणकर्ता गणपतिर दिग्वासा काम एव च। फैक्ट नंबर सेवन, मित्रों हिंदू शास्त्रों में श्री गणेश जी को रक्तांबर अर्थात लाल वस्त्रधारी माना गया है, तथा जैन शास्त्रों में गणेश जी को दिगंबर अथवा जैन मुनि जैसा माना गया है। प्रथम गणधर वृषभ सेन भी मूलतः एक जैन साधु थे, अतः गणेश जी के दिग्वासा अर्थात दिगंबर रूप की स्वीकृति से महाभारत का ये श्लोक वस्तुतः दिगंबर वृषभ सेन गणधर जिन्हें गणेश भी कहा गया है उनके प्रति कहे गए सुनिश्चित होते हैं। फैक्ट नंबर एट, हिंदू ग्रंथों में अनेकों श्लोकों में गणेश जी को दिगंबर बताया गया है, जैसे श्याम वर्ण तथा शक्ति धारियंतम दिगंबरम दिगंबराम सुवदनाम भुज द्वयम समन्विताम, अर्थात गणेश जी को दो भुजाओं तथा सुंदर मुखाकृति वाले दिगंबर कहा गया है। फैक्ट नंबर नाइन, मित्रों हिंदू धर्म की प्रचलित मान्यता अनुसार गणेश जी हाथी के मुख वाले थे एवं उनके चार हाथ थे, किंतु जैन धर्मानुसार गणेश जी को एक सुंदर मुख वाले वृषभ सेन गणधर बताया गया है जो भगवान आदिनाथ जी के पुत्र थे। फैक्ट नंबर टेन, गणेश जी का एक अन्य नाम विनायक भी कहा गया है,
मेदिनी कोश में विनायक को जिन गुरु अर्थात गणधर कहा गया है। श्लोक इस प्रकार से है, विनायकस्तु हेरम्बे ताक्षरम विघ्ने जिने गुरु। फैक्ट नंबर 11। मित्रों एक और श्लोक देख लेते हैं, राधिकवी दिगंतरी एवली जिन सिद्ध साधु गण देवा, अर्थात जिन जितेंद्रिय तीर्थंकर को अथवा मुनि को कहा जाता है। इस कथन के अनुसार श्री गणेश जी भी जिन गुरु के समान ही थे। जैन ग्रंथों में भी केवली जिन सिद्ध और साधु को गणदेव की संज्ञा दी गई है। फैक्ट नंबर 12। 300 ईसा पूर्व में रचित तातंत्र व्याकरण में भी वृषभसेन गणधर से लेकर गौतम पर्यंत 2400 तीर्थंकरों के समस्त गणधरों को गणेश ही कहा गया है, जो इस श्लोक से सिद्ध होता है। नमो वृषभसेनादि गौतमांत्य गण अशिने। धवलाकार आचार्य वीरसेन स्वामी जी भी उस सेनादि गणहर कहकर इसी तथ्य को संकेतित करते हैं। फैक्ट नंबर 13। गणानाम त्वा गणपति हवामहे, अर्थात ऋग्वेद का यह मंत्र भी यही कहता है कि गणेश जी गणों के प्रमुख थे और गणधर थे। फैक्ट नंबर 14। कवि अरहतदास कृत गुरुदेव चंपू वाक्य में भी गणधर वृषभसेन जी को गणेश कहा गया है। आइए देख लेते हैं इस श्लोक को। व्यापस्य चिंताम गुरुशोक जाताम गणेशमानम्य विनम्र मौली निंदन्न पाराम निज भोग तृष्णाम चक्री विभूत्या स्वपुरम विवेश। अर्थात तदनंतर पिता प्रजापति वृषभदेव जी के शोक से उत्पन्न चिंता को दूर कर भरत चक्रवर्ती जी ने विनम्र भाव से प्रथम गणधर वृषभसेन जी अर्थात गणेश जी को नमस्कार कर अपनी भोग तृष्णा की गर्हा निंदा एवं आलोचना करते हुए वैभव के साथ अपनी अयोध्या नगरी में प्रवेश किया था। फैक्ट नंबर 15। सप्तभंगी तरंगिणी के टीकाकार मानते हैं कि गणेश वीतराग एवं विघ्न हर्ता का रूप थे। वह मंगलाचरण में कहते हैं कि गणेशम विघ्न हर्तारम वीतरागम कल्मशम प्रणम्य परिया भक्त्या यत्नमेतम सवारवे। फैक्ट नंबर 16। कुछ विद्वानों का मत है कि श्री गणेश जी एक हिंदू देवता नहीं होकर एक जैन श्रमण एवं गणधर है। फैक्ट नंबर 17। मित्रों जैन स्तुति साहित्य में भी गणेश जी की व्यापक स्तुतियां प्राप्त होती है, जैसे विघ्न प्रणाशन विदो सुरमत्रिनाथा अग्रेसरम जिन वदन्ति भवन्तमिष्ठम अनाद्यानंत युगवर्ति नमत्र कार्ये विघ्नो गवारण कृते हमपि स्मरामि गणानाम मुनीनाम दीश वतस्ते गणेशाख्याया ये भवन्त स्तुवन्ति सदा विघ्न संदोह शांतिर्जनानाम करे संलुठ्यात श्रेयसानाम। अर्थात विघ्नों के नाश की विधि में देवगण एवं मनुष्यों के स्वामी भगवान जिनेन्द्र देव को ही सभी श्रेष्ठ इष्ट मानते हैं। अनादि अनंत युगवर्ती इस कार्य में विघ्न समूह के निवारण करने हेतु मैं भी उनका स्मरण करता हूँ। आप गणों एवं मुनियों के अधिपति रूप को धारण करते हैं, अतः जो आपकी गणेश नाम से स्तुति करते हैं उन सभी लोगों के विघ्न समूह की आप सदा शांति करें तथा श्रेयसों को प्राप्ति कराएं। फैक्ट नंबर 18। मित्रों गणेश जी का एक अन्य नाम विनायक है। विनायक शब्द का अर्थ है बाधाओं को हटाने वाला, अतः समस्त विघ्न शांति अर्थ जिस यंत्र की जिन मंदिर में प्रतिष्ठा की जाती है उसका नाम भी विनायक यंत्र कहा गया है। फैक्ट नंबर 19। मित्रों पंच परमेष्ठी पूजन की जयमाला में भी गणेश जी को पंच परमेष्ठी अर्थात अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय एवं साधु का वाचक शब्द बताया गया है। यह तथ्य एक अन्य प्रमाण से भी पुष्ट होता है, जैसे जैन दर्शन में ओमकार को पंच परमेष्ठी का वाचक माना गया है और कहा गया है कि अरिहंता असरीरा आयरिया उवज्जाया तहा मुनिनो पडमक्खर निपन्नो ओमकारो पंच परमेष्ठी। तथा साथ ही हिंदू संस्कृति में भी गणेश जी को ओमकार का प्रतीक माना गया है। ओमकार पंच परमेष्ठी रूप होने से गणेश जी का पंच परमेष्ठी रूपत्व न्याय प्राप्त है। गणेश जी को भी भौतिक एवं आध्यात्मिक संपन्नता का हेतु माना गया है तथा ओमकार का भी यही स्वरूप माना गया है और कहा गया है कि कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। फैक्ट नंबर 20। मित्रों वृषभसेनादि गौतमांत गणधर जिन्हें गणेश भी कहा गया है मूलतः मुनि थे। उपदेशक होने से उपाध्याय भी कहे गए, गण प्रमुख होने से आचार्य माने गए, तदुपरांत वह अरहंत एवं सिद्ध पद को भी क्रमशः प्राप्त हुए हैं। अतः गणधर या गणेश को मानना भी जैन परंपरा में तर्क एवं आगम सम्मत है। लौकिक गणेश को ना मानकर गणधर वृषभसेन को पूजना पूर्ण रूप से आगम सम्मत है। इसमें शाब्दिक विरोध भले ही हो किंतु आमनायगत विरोध कदापि नहीं है। फैक्ट नंबर 21। मित्रों हिंदू संस्कृति में गणेश जी की परिकल्पना जैन श्रमण संस्कृति जैसी ही है, क्योंकि हिंदू संस्कृति में मुख्य रूप से गणेश जी को ही एकमात्र शांति प्रिय देव के रूप में माना गया है। अन्य हिंदू देवी देवताओं की तुलना में गणेश जी का स्वरूप अहिंसात्मक माना गया है।
जैसे उनका सर्वांगीण स्वरूप ही अहिंसा व शाकाहार का संदेश देता है। उनका प्रिय भोजन मोदक अर्थात लड्डू शाकाहार है। साथ ही गजमुख अर्थात हाथी का मुख माना गया है। हाथी भी एक शुद्ध शाकाहारी प्राणी है। उनका सेवक अर्थात वाहन मूषक अर्थात चूहा भी शाकाहारी जीव है तथा गणेश जी की अभय मुद्रा प्राणी मात्र को अभयदान देती हुई तीर्थंकर भगवान के अहिंसक संदेश का प्रचार प्रसार करती है। मित्रों, प्रस्तुत इस वर्णन से यह बात स्पष्ट है कि गणेश जी जो हिंदू देवता माने जाते हैं मूल रूप से एक पूजनीय जैन गणधर है। मूलतः श्रमण संस्कृति के आराध्य देव भी हैं। यदि वृषभ सेन गणधर जी अर्थात गणेश जी पर सूक्ष्म अध्ययन से देखा जाए तो यह सिद्ध होता है कि गणेश जी श्रमण जैन संस्कृति के पूज्य पुरुष हैं। धन्यवाद मित्रों, हम यहाँ वीतरागी पूज्य वृषभ सेन गणधर जी को प्रणाम करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आगे शेयर कीजिए। साथ ही जिन शासन के और भी वीडियोस देखने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।